12th mains RBSE exercise number 14.7 question number 6. इसमें आपके एक स्ट्रेट लाइन और एक प्लेन दे रखा है, दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो सपोज A1, B1 और C1 है, ये हमें फाइंड कैसे करना है। देखो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, x, y और z इन तीनों के कोफिशिएंट्स प्लस 1 होना चाहिए। इसका कोफिशिएंट प्लस 1 है, इसके मल्टीपल में प्लस 1 है, इसके मल्टीपल में प्लस 1 है, इट मींस ये 3 माइनस 1 और 2 इसके डायरेक्शन रेशियो होंगे। इसी तरह से यहां पर एक प्लेन है, प्लेन का नॉर्मल यानी कि इस समतल का जो तो अभिलंब है उसके डायरेक्शन रेशियो यानी दिक अनुपात सपोज A2, B2 और C2 है, ये कैसे फाइंड होंगे। x के मल्टीपल कितना लिखा हुआ है 3, तो ये A2 हो जाएगा, यहां से हो जाएगा ये 4 और यहां से हो जाएगा ये 1। अब लाइन और प्लेन है इनके बीच का एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है साइन थीटा इक्वल्स टू, याद रखो जब दो लाइन होती है उनके बीच में एंगल निकालते हैं ना तो कॉस थीटा यूज होता है, दो प्लेन्स होता है उनके बीच में एंगल निकालना तो कॉस थीटा यूज होता है, एक लाइन और एक प्लेन हो ना तो साइन थीटा यूज होता है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर एंड A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। वैल्यू रख दो इसके अंदर, यहां पर ये 3 और वो भी 3 है, यहां से -1 एंड उधर से 4 प्लस का 2 और यहां से आ जाएगा स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर 9 प्लस 1 और ये 4, इसी तरह से इसका स्क्वायर 9 प्लस 16 और प्लस 1। कैलकुलेशन करो, 3 3 9 माइनस का 4 एंड प्लस का 2, रूट के अंदर 10 और ये 14 हो जाएगा और यहां पर कितना हो गया 10 और 26 हो जाएगा। अब आप इसमें देखो ये हमारे पास 7 माइनस हो गया 5 5 और 2 7 अपॉन ये 14 और 26 है तो दोनों के रूट लगा दो, 14 का मल्टीप्लाई करो 26 है, ये हमारे पास में इसमें साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब आप इसमें ये देखो, इसको अगर और भी सॉल्व करना चाहो ना तो आप इसमें साइन थीटा इज इक्वल्स टू 7 अपॉन ये 364 है ना, इसको आप लिख सकते हो 7 इंटू 7 5 35 होता है 752 ना, और रूट 7 और ये 7 है इसको इससे कैंसिल करेंगे ना तो रूट 7 आ जाएगा, इसके ऊपर रूट है इसके ऊपर रूट है फाइनल रूट आ जाएगा रूट 7 अपॉन 52, ये हमारे पास साइन थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा साइन इनवर्स रूट 7 अपॉन 52, ये इसका आंसर है। ये किसके बीच में एंगल है, इस स्ट्रेट लाइन और इस प्लेन के बीच का एंगल है, ठीक है। तो कैलकुलेशन केयरफुली करें, बाकी फॉर्मूले का ध्यान रखें, साइन थीटा आएगा, बाकी इजी क्वेश्चन है केयर में। सेवंथ क्वेश्चन में ये आपके एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है और इसके अंदर एक प्लेन दे रखा है, तो अब इसमें दोनों के बीच में एंगल फाइंड करना है, तो सबसे पहले इस लाइन के पैरेलल वेक्टर के डीआर्स सपोज A1, B1 और C1 है, ये कहां से निकलेंगे, ये तो वो पॉइंट होता है यानी उस पॉइंट पर पोजीशन वेक्टर होता है जहां से लाइन पास होती है और लैम्डा के साथ में जो लिखा होता है ना उसका ये पैरेलल वेक्टर होता है, तो यहां से आपको मिलेंगे इसके डायरेक्शन रेशियोज। तो आई कैप का कोफिशिएंट 1 है, यहां से -1 और k के मल्टीप्लाई लिखा हुआ 1 तो ये c1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस प्लेन के जो नॉर्मल है अभिलंब है इस समतल का जो अभिलंब है उसके डायरेक्शन रेशियोज अगर निकाल रहे हैं सपोज A2, B2 और C2, तो
पता लगाना पड़ेगा। आर डॉट ये जो वैल्यू देखी ना, ये जो वेक्टर है ये हमेशा क्या होता है इसका नॉर्मल अभिलंब होता है। तो आई कैप के मल्टीप्लाई में 2 लिखा हुआ है, ए टू वैल्यू 2 हो गई, यहां से ये माइनस 1 और यहां से 1 आ जाएगा। अब दोनों के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला साइन थीटा इक्वल्स टू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर रूट ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर। अब आप देखो इसके अंदर ये वैल्यू 1 हो जाएगी, वहां से आ जाएगा 2 प्लस ये वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी, बी टू वैल्यू माइनस 1 और ये 1 और ये 1 रूट ए वन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, यहां पर फिर 1 और यहां पर 1, वहां से देखो 4 प्लस 1 और ये प्लस 1। कैलकुलेशन करें 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस तो ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 फिर 1, ये हो गया रूट 3 और यहां से आ जाएगा रूट 6, ठीक है ना। तो हमारे पास हुआ ये 4 अपॉन इसको हम क्या ले सकते हैं रूट का 8, ठीक है ना। अब आप इसमें देखो साइन थीटा इक्वल्स टू 4 अपॉन 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2, तो एक काम करो 4 को लिख दो 2 इंटू 2 और 9 का तो रूट हो जाएगा 3 और एक रूट 2 ही पड़ा है। अभी तो इस पर 2 है ना, इस रूट 2 से 2 गया तो रूट 2 बच जाएगा, तो फाइनल आ जाएगा 2 रूट 2 अपॉन 3। ये वैल्यू किसकी आई, साइन थीटा की, थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2 रूट 2 अपॉन 3। ये इसका आंसर, ये क्या निकला, इस स्ट्रेट लाइन और इस प्लेन के बीच का एंगल निकला। क्वेश्चन नंबर 8 भी 7 की तरह सेम है, इसके अंदर स्ट्रेट लाइन और ये प्लेन दे रखा है, दोनों के वेक्टर इक्वेशन है और दोनों के बीच में हमें एंगल फाइंड करना है। तो यहां पर इसके पैरेलल वेक्टर के डीआर्स A1, B1 और C1, यहां से लैम्डा के पास से ये हो जाएगा 1, 2 और ये हो जाएगा -1। इसके नॉर्मल के डीआर्स यानी अभिलंब के दिक अनुपात A2, B2 और ये C2, ये R डॉट है ना, यहां से आ जाएगा 2, यहां से -1 और यहां से 1। अब आप इसमें फॉर्मूला वही सेम, साइन थीटा इक्वल्स टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट स्क्वायर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। वैल्यूज डालें, यहां से 1 और A2 की वैल्यू है 2 प्लस ये 2 और यहां से -1 प्लस -1 और ये 1 स्क्वायर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 4 और ये प्लस 1, वहां से भी 4 प्लस 1 और ये प्लस 1। फाइनल वैल्यू क्या आ रही है इसकी, 2 1 जा 2 माइनस का 2 और ये माइनस का 1, स्क्वायर रूट ऑफ 6 और वो भी 6 इनटू कैंसिल, तो आ गई साइन थीटा इक्वल्स टू -1 अपॉन रूट 6 इनटू रूट 6 को कर देगा 6 हो जाएगा और थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इनवर्स -1 बाय 6। ये क्या आया, इस लाइन और पेन के बीच का एंगल आ गया। इजी क्वेश्चन है, केयरफुली करें। क्वेश्चन नंबर 9 में ये एक स्ट्रेट लाइन और एक प्लेन है और सिचुएशन दे रखी है कि भाई ये स्ट्रेट लाइन इस प्लेन के पैरेलल है, इसका मतलब ये हुआ ये स्ट्रेट लाइन इस प्लेन का जो नॉर्मल है ना उसके ऊपर पेंडिकुलर होगी। तो इस कंडीशन में इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल वेक्टर के डीआर A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 1 और C1 की वैल्यू 2 होगी। और ये जो प्लेन है
इसके नॉर्मल के जो डीआर से ए टू यहां से थ्री हो गया और बी टू मेरे पास हो गया माइनस टू और सी टू हो गया इसके अंदर एन। कहां से एच किए आई जे और के जो कोफिशिएंट्स है। अब ये लाइन और ये प्लेन पैरेलल है, इसका मतलब इसका पैरेलल वेक्टर और इस प्लेन का जो नॉर्मल है आपस में परपेंडिकुलर हो गए। तो कंडीशन अप्लाई हो जाएगी ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो। इसे हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं, अगर कोई स्ट्रेट लाइन किसी प्लेन के पैरेलल हो तो सिचुएशन होगी ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन रहेगी इसकी। तो वैल्यू डाले टू और ए टू की वैल्यू कितनी है थ्री प्लस बी वन की वैल्यू वन और वहां से बी टू कौन होगा वैल्यू बी टू की वैल्यू मेरे पास कितनी रहेगी माइनस टू सी वन की वैल्यू टू और सी टू की वैल्यू एन इज इक्वल्स टू जीरो। थ्री टू जा सिक्स माइनस का टू प्लस का टू एम इक्वल्स टू जीरो। ये हो गया फोर। राइट साइड जाएगा तो कितना हो गया माइनस फोर, तो एम इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस फोर अपॉन टू यानी कि एम इक्वल्स टू हो गया माइनस टू। ये एम की वैल्यू होगी माइनस टू। अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा केयरफुली समझे। क्वेश्चन नंबर टेन में सेम सिचुएशन है, ये स्ट्रेट लाइन इस प्लेन के पैरेलल है यानी कि ये सरल रेखा इस समतल के समानांतर है और m की वैल्यू निकालनी है। तो ये सरल रेखा इसके समानांतर, इसका मतलब इसका जो समानांतर सदिश है जो ये वाला सदिश होता है ना ये और इसका जो ये नॉर्मल है यानी अभिलंब है ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे और कंडीशन लग जाएगी इसके अंदर ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास ए वन बी वन और सी वन कहां से आएंगे यहां से ना लैम्डा के साथ में क्या लिखा हुआ देखूंगा आई के आपका कोफिशिएंट टू यहां से ये माइनस है और यहां से माइनस है। इसी तरह से इसके नॉर्मल के डीआर ए टू बी टू और सी टू यहां एन थ्री और ये वन। और वापस सुन ले कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर किसी प्लेन के पैरेलल हो तो सिचुएशन में ऐसा क्या लगाएंगे कंडीशन क्या लगाएंगे ए वन ए टू प्लस ए वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो। ये टू ए टू की वैल्यू कितनी एम है और इसकी वैल्यू माइनस एम बी वन की बी टू की वैल्यू कितनी है थ्री और सी वन की वैल्यू माइनस थ्री और सी टू की वैल्यू वन इक्वल टू जीरो। ये हो गया मेरे पास टू एम माइनस थ्री एम एंड माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। ये कितना हो गया माइनस का एम और थ्री को राइट साइड शिफ्ट कर दो और प्लस का थ्री हो जाएगा ये माइनस उस तरफ चला जाएगा तो ये माइनस थ्री हो जाएगा। ये एम की वैल्यू इजी क्वेश्चन है, थोड़े फॉर्मूले याद हो कंडीशन याद हो तो अच्छे मार्क्स में अचीव हो जाते हैं। स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं और अच्छे नंबर लाने के लिए प्रैक्टिस खूब करें। मैथ्स में अच्छे नंबर लाने के लिए प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, ये पूरा ध्यान रखें इसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।